आज की मेरी इस रेमेडी से आप सबको होगा धमाकेदार फ़ायदा, जो कि मैंने होममेड फेस वॉश बनाया है। ना कोई केमिकल्स हैं इसमें और ना ही कोई आपका खर्चा लगेगा। होममेड फेस वॉश मैंने बनाया है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम शाइन एचआर के चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरा इंस्टाग्राम का मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मेरा टिकटॉक, मेरा स्नैक वीडियो मेरे शाइन एचआर के नाम से अवेलेबल है, आप चाहें वहाँ पे विजिट करें। आज की मेरी वीडियो है फेस वॉश बनाने की। तो ये फेस वॉश फ्री पैसों के, यानी आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको जो फेस वॉश बता रही हूँ और मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको, ये फेस वॉश बहुत ही इजीली बन जाएगा और बिना खर्चा किए आपको घर बैठे बहुत ही अच्छा फेस वॉश मिलेगा, ड्राई फेस वॉश। तो इसके इस्तेमाल करने से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, आपके चेहरे की, आपके फेस की क्लिंजिंग भी हो जाएगी, आपके फेस पे स्क्रबिंग भी हो जाएगी और आपके फेस के जो ब्लैक हेड, वाइट हेड, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, चावल का आटा 2-3 प्याले चावल का आटा, जितना आप यूज़ करना चाहें। लेकिन जो क्वान्टिटी मैं बता रही हूँ इसके हिसाब से आपको अगर लेना है तो बहुत ही आपको आपका जो फेस वॉश बन के निकलेगा वो बहुत ही यानी बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप मेरे हिसाब से बनाएंगे, मेरी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे तो आपके लिए ये आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने फिल वक्त 2 प्याली चावल के आटे के लिए है, उसमें मैं आगे चल के क्या क्या ऐड कर रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मैंने मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर मैंने 2 प्याली यानी 2 चम्मच, एक प्याली ये छोटी सी प्याली है तो एक प्याली में मेरे 2 चम्मच आ जाते हैं। तो 2 प्यालियाँ मैंने ली हैं चावल के आटे की, 2 प्याली मैंने ली है बेसन की, चने का आटा। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों को अपन इतना मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, यानी पता ना चलेगा ये चावल का आटा है और या ये बेसन है। तो इनको हम इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ये यकजा हो जाए। उसके बाद मुझे अब क्या करना है आगे देखिए। अब मैं एक और प्याली यानी 2 चम्मच और, ये टोटल हो गए मेरे 6 चम्मच चावल के आटे के हो गए। और चावल का आटा आपको पता है कितना हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए कितना कारामद साबित हुआ है चावल का आटा। ये जो चाइनीज़ ग्लास स्किन होती है ये चावल के आटे से ही मिलती है, चावलों से ही मिलती है। तो ये जो आप फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन इतनी वाइट और सफ़ेद हो जाएगी कि दूध की तरह चमकने लगेगी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक और प्याली ली है बेसन की। तो ये बेसन मैंने अब ऐसा समझे कि 6 चम्मच चावल का आटा हो गया और 6 चम्मच अपना ये बेसन हो गया। और यहाँ पे मैं दालचीनी साबुत वाली दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ये दालचीनी साबुत मैंने नहीं यूज़ करनी, यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। तो ये पाउडर अगर 6-6 चम्मच हमने लिए, चावल का आटा 6 चम्मच और बेसन 6 चम्मच, तो उसमें हमें ये जो दालचीनी का पाउडर है ये हमें आधा चम्मच लेना है, आधी चम्मच। ये आप देख रहे हैं मैंने आधी चम्मच ऐड की है। तो बेसन भी हमारे चेहरे को नरिशिंग करेगा, हमारे चेहरे के जो अंदर से जो मसाम होते हैं उनको वॉश करके और उनमें एक नई जान दे देता है बेसन, चने का आटा। तो ये चने का आटा हमारे चेहरे को सफ़ेद करेगा, बल्कि हमारे चेहरे के अंदर से जो पसीना और जो होती है ऑयली स्किन, उसको ये बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी, हल्दी टर्मरिक। तो ये जो हल्दी है इसको हमने ऐड करना है, ये 1.5 चम्मच तक मेरी हल्दी है। तो इसको मैंने इतना मिक्स करना है, इसके अंदर इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल ये, अब ये ना पता चले कि ये चावल का आटा है या ये बेसन है या ये हल्दी है या यहाँ पे ये जो मैंने दालचीनी पिसी हुई डाली, पिसी हुई तो नहीं थी, हल्की सी वो साबुत थी, यानी पाउडर तो मैंने बनाया था लेकिन हल्का सा मैंने उसको छोड़ा हुआ था, जैसे कलौंजी होती है इसकी तरह। लेकिन कलौंजी भी अभी थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये उससे भी थोड़ा कम मैंने बारीक किया हुआ था। तो ये मैंने इसमें ऐड किया।
तो अब ये जो फेस वॉश बन के निकलेगा ना, ये आपके स्किन को इतना नरिशिंग करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप ये जब फेस वॉश लगाएंगे तो आपको खुद को फील होगा कि ये फेस वॉश आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, यूट्यूब पे ना आपको कहीं मिला होगा ये फेस वॉश इतना इन्फॉर्मेटिव। मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, होम रेमेडी से फेस वॉश बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हनी शहद, ये मेरे पास पुराना शहद पड़ा हुआ है, और जितना पुराना शहद होता है तो उतना ही शहद अच्छा निकलता है, अच्छा होता है। तो ये मेरे पास पुराना शहद पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आधी चम्मच शहद की ले रही हूँ, और शहद को मैं किस तरह मिक्स करूँगी ये आप देखिएगा कि मैं शहद को किस तरह मिक्स कर रही हूँ। मेरी वीडियो आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको पता चले कि मैं कब कहाँ क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये आपके घर का होम मेड फेस वॉश होगा। ये जो फेस वॉश है आप ये बना के रख सकते हैं। आप अगर इसको 3-3 महीने का बना के भी रख दें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप 1 महीने का बनाएं, आप 15 दिन का बनाएं, आप 1 हफ्ते का बनाएं या 2 हफ्ते का बनाएं, लेकिन आप बना के रख दें। तो ये मैं शहद इसमें मिक्स कर रही हूँ। इतना इसको मिक्स करना है कि शहद में जो लिक्विड सा जो होता है तो वो शहद का ख़त्म हो जाए बिल्कुल, ये वो शहद इसमें मिलके और शहद भी पाउडर ही बन जाए। इस तरह यहाँ हमने शहद को मिक्स करना है। और आपको पता होगा कि शहद भी हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए जितना खाने में फ़ायदेमंद होता है, उतना ही हमें लगाने में भी फ़ायदेमंद होता है शहद। शहद तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। यानी कि ये जो जितनी मैं चीज़ें इसमें मिला रही हूँ, तो इन चीज़ों की अगर मैं डेफिनेशन आपके साथ बयान करूँ तो शायद मेरी वीडियो कम पड़ जाए, लेकिन इन सब चीज़ों की इतनी यानी इतने फ़ायदे हमारी स्किन पे हैं, हमारी सेहत के लिए इतनी ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि आपको पता होगा। अच्छा, ये मेरे पास एलोवेरा जेल है, ये मैंने बाज़ार का लिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास घर का रखा हुआ है अपना एलोवेरा है तो बहुत ही बेस्ट होगा। अगर नहीं है तो आप बाज़ार का एलोवेरा ले सकते हैं। और ये जो मेरा बाज़ार का एलोवेरा है, इसका कलर आपको, मेरी लाइट येलो लगी हुई थी मेरे रूम में तो वो येलो सा दिख रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरी वाइट वाली लाइट जलाई है तो अब ये इसका असल रंग ज़ाहिर हो रहा है एलोवेरा का। तो ये मेरे पास है एलोवेरा जेल, ये इसमें 2 चम्मच ऐड करने हैं, 2 चम्मच। अच्छा, इसको भी इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। यानी कि जैसे हमने शहद मिलाया तो शहद हमें दिखने नहीं लगा, अब एलोवेरा भी हम इतना ही मिक्स करेंगे कि एलोवेरा हमें फील ना हो और बिल्कुल ये पाउडर सा हमारे पास बन के आ जाए। बिल्कुल ये पाउडर हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, हमारे फेस पे जो इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो आपको ना कोई और फेस वॉश मज़ा देगा, ना कोई क्रीम लगाने के लिए दिल करेगा। तो आपको ये जो फजूल के खर्चे, ये आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। और बाज़ार से जो आप इतने महंगे महंगे केमिकल मिले फेस वॉश लेते हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये फेस वॉश ऐसा है कि आपको लगाने में पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप इसमें फेस वॉश भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कब ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये जो हनी है, ये चम्मच में इतनी वो हो गई है कि बिल्कुल चिपक गई है। अब मैं अपनी उंगली से इसको हटाऊँगी और इसको फिर भी इतना मैं मिक्स करूँगी कि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा, और आगे चल के मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, और आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब मेरी कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है। और आप अगर ये फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप कोई और फेस वॉश, बेशक कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों के फेस वॉश हैं और अच्छे अच्छे प्राइजों में मिल रहे हैं, तो वो सब आपके छूट जाएंगे। आप यकीनन यकीन करके आप इसको इस्तेमाल करें। मेरे घर में ये इस्तेमाल होता है, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में सब ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप ये बॉडी पे इस्तेमाल करना चाहें, फुल बॉडी पे, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपकी बॉडी अगर कलर उसका डल है तो आपकी बॉडी पर भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा और बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
रोज़ वाटर यानी गुलाब का अर्क। ये गुलाब का अर्क मेरी कैसे निकालना है ये मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको लिंक पे जाके और आप देख सकते हैं कि मैंने अर्क गुलाब कैसे निकाला है। अर्क गुलाब 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया और उसको भी इतना मिक्स करना है कि आपको बिल्कुल ये पाउडर सा मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे कितनी चीज़ें ऐड की हैं आपको ये नज़र आ रही है, अर्क गुलाब, शहद और दालचीनी का पाउडर, हल्दी और एलोवेरा जेल, बेसन, चावल का आटा, ये चीज़ें मैंने ऐड करी हैं इसमें। तो इन चीज़ों से बन के जो ये हमारा फेस वाश होगा ये बहुत ही अच्छा हमें मिलेगा, रिज़ल्ट देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा फेस वाश भी ऐड कर सकती हैं अगर आप चाहें तो, वरना तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही यूज़ होता है। कभी कभी अगर हमें चाहिए होता है कि हम किस तरह ऐड करते हैं फेस वाश, वो मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ कि फेस वाश में इसमें कैसे ऐड करती हूँ। तो ये मेरा पाउडर फॉर्म में आ गया है सारा, सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये चीज़ें मैं अभी यहाँ से हटा रही हूँ तो आपको आगे चल के मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब आपका दिल करे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने शीशे का जार है, इसको मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ था, इसमें मैंने ये डाल के और इसको मैंने महफूज करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो ये आप किचन में अपने रूम में रख सकते हैं। इस ये नहीं ख़राब होने वाला, ये कभी यानी आप इसको 3 महीने तक के लिए रख सकते हैं। अगर आपने इसमें बेसन भी ताज़ा ऐड किया है, चावल का आटा भी ताज़ा ऐड किया है तो आप 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर कि आपके पास बेसन और चावल का आटा बहुत पुराना है तो आप इसको 1 महीने 1.25 महीने तक रख सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ये पाउडर जो है ये हथेली पे निकाल दें और इसमें 2-3 कतरे फेस वाश, ज़्यादा नहीं, 2-3 कतरे फेस वाश के डाल के तो आप इसको मिक्स करके थोड़ा सा 2-3 कतरे पानी के मिला के आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी फेस वाश हमें तब ऐड करना है। और बाकी का जो प्रोसीजर है इसका वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह ये लगाती हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ। मेरे घर में भी इसी तरह यूज़ होता है और मैं खुद भी इसको इसी तरह ही यूज़ करती हूँ। मैं इतनी क्वांटिटी में अपनी हथेली पे लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाती हूँ, पानी मिला के मैं इसको मिक्स करती हूँ पहले। अच्छा, क्योंकि इसमें अर्क गुलाब भी मिला हुआ है, हनी मिला हुआ है, शहद मिला हुआ है, एलोवेरा जेल मिला हुआ है, तो मैं इसे मिक्स करके और अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो आप अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी बॉडी भी सफ़ेद होगी, वाइट होगी और बहुत ही अच्छी होगी। इस तरह अपने फेस पे यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसमें जब पानी ऐड करते हैं हथेली पे निकाल के, जब पानी ऐड करते हैं तो थोड़ा सा आप फेस वाश भी ऐड कर सकते हैं, 2-3 कतरे, ज़्यादा नहीं, 2-3 कतरे आप फेस वाश के ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह ये आपको लगाना है और बिल्कुल फेस वाश की तरह ही लगाना है। आप अगर आप इसको 1 से 2 मिनट तक रखना चाहें अपने फेस पर तो रख सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाज भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि चावल का आटा है इसमें तो हमारी स्किन में ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। चावल का आटा, बेसन, उस पे हनी, वाह क्या बात है, और एलोवेरा जेल, अर्क गुलाब, यानी सब चीज़ें, सारी चीज़ें एक साथ, बजाय आप अलग अलग ये चीज़ें इस्तेमाल करें, यूज़ करें और टाइम भी आपका जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ मिला के दे दी हैं फेस वाश के इसमें। तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं और अपना फेस वाश बना सकते हैं, इसी तरह आपने यूज़ भी करना है। तो जब आप ये यूज़ करेंगे और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा तो यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर अब मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये मेरा आज का फेस वाश था और अर्क गुलाब बनाने की जो वीडियो है उसका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको अर्क गुलाब कैसे निकालना है, गुलाब के फूलों से, गुलाब की पत्तियों से। तो ये मेरी आज की वीडियो है, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया जिन्होंने तो उनका बहुत सारा शुक्रिया, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल पे आने वालों का बहुत शुक्रिया और सबको अल्लाह पाक खुश रखे, अपने अपने घरों में
मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप मेरी वीडियो पे आते रहें। ये आज का हमारा फेस वॉश है और मैं दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह पाउडर फॉर्म में होगा और इसको आप जब भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना आपकी स्किन खिल के निखर के बाहर आएगी।